तो दोस्तों एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट, 3 बेडरूम, 25 फुट की मेन रोड पे, मेट्रो से मात्र 500 मीटर की दूरी में, सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपए में। पहले एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक, फिर दिखाऊंगा फ्लैट की पूरी वीडियो। दोस्तों मैं लवी ठाकुर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी में। और जैसा कि थंबनेल में आप प्राइस तो जान ही चुके हैं, फ्लैट लो बजट ही रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एंट्रेंस हर बार की तरह, जहां पे मैं भी खड़ा हूं। ये 25 फुट का मेन रोड है जो आपके फ्लैट के फ्रंट में रहने वाला है दोस्तों। और बात करता हूं इसकी कनेक्टिविटी की, तो जस्ट 20 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद आपको पहला राइड लेना है जो आपको सीधा मेट्रो स्टेशन पर निकालेगा। और अगर मैं बात करता हूँ आपके डेली यूजेज मार्केट की, तो आप देख सकते हैं हर तरीके की शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको डेली यूज में चाहिए। आप किराने की दुकान यहाँ पे अवेलेबल है, कॉस्मेटिक की दुकान यहाँ पे अवेलेबल है, हर तरीके की है। ई रिक्शाज़ की बात करें तो आपके घर के नीचे से ही 24 घंटे आपको ई रिक्शा मिलने वाले हैं। आप दोपहर को 1 बजे आइए, रात को 1 बजे आइए, ई रिक्शा सर्विस आपको इसी तरीके से मिलेगी। और आज का जो मेरा 3 बेडरूम का लो बजट फ्लैट जो रहने वाला दोस्तों, ये आपको मिलेगा बाइक पार्किंग के साथ। लिफ्ट नहीं है, कार पार्किंग नहीं है, बाइक पार्किंग आपको इसमें हम करके देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट एलिवेशन, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयार किया गया है। और हर बिल्डिंग की तरह इसका भी जो काम है टाइल्स प्लस फास्टनर के साथ करा गया है। जैसे मेरा रहता है कि हर बिल्डिंग में आपको कम से कम मेंटेनेंस में काम आपको करवा के दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बाइक पार्किंग, और उसके बाद इन्जॉय लेंगे आज के लो बजट में रहने वाले वीडियो। तो एंट्री करते ही ये हमारा आ जाता है पूरा का पूरा पार्किंग एरिया दोस्तों। यहाँ पे आप अपनी बाइक्स पार्क आसानी से कर सकते हैं। और बात करता हूँ इसकी रूफ़ की भी, तो रूफ़ बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सोबर डिज़ाइन आपको करके देंगे, ताकि छोटा सा कोई भी, अगर आपका बर्थडे पार्टी है, 20-25 लोगों की छोटी सी कोई भी गैदरिंग है, तो आप यहीं पे आसानी से कर सके। आपको बाहर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई बैंक्वेट हॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्किंग में ही 20-25-30 लोगों की पार्टी, छोटा सा गेट टुगेदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था मेरी पार्किंग। अब पार्किंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारा 3 बेडरूम का शानदार एल टाइप कॉर्नर फ्लैट दोस्तों। तो चलते हैं फ्लैट की तरफ। स्वागत है दोस्तों आज के बहुत ही कम बजट में रहने वाले 3 बेडरूम फ्लैट का। और आज आपको फ्लैट दिखाऊंगा पूरी वेंटिलेशन के साथ, एक भी लाइट नहीं जलाएंगे, पर फ्लैट में उतनी ही वेंटिलेशन आपको मिलेगी दोस्तों। तो एंटर करते हैं सबसे पहले इसके लिविंग एरिया के। लिविंग एरिया दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सुंदर टाइल्स। देखिए, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि प्रॉपर डिजिटल वेट्रीफाइड टाइल्स हैं। साइज की अगर बात करते हैं इसकी, तो तकरीबन 4x2 का इसका साइज है। और आपको जो पूरा लिविंग का स्पेस जो यहाँ पे मिलने वाला है, 20x8 का आपको ये स्पेस मिल रहा है यहाँ पे अंदर आते हुए। तो ये पूरा हमारा आता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में एंटर करने से पहले यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा आता है सिक्योरिटी पर्पस के, यहाँ पे आपको फोन लग जाएगा, जो आप यहाँ से फोन पे कि नीचे कौन आया है कौन नहीं आया सुन के अपन डोर ओपन करेंगे, उसके बाद आएगा। यह था हमारा पूरा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के जस्ट ठीक सामने हमारा आ जाता है LCD पैनल, जिसको हमने ब्राउन और व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया है। यहाँ पे आप चाहे जितने मर्जी इंच का टीवी हो, 22, 32, 40, 44, 50, कोई भी टीवी हो, फ्री साइज स्पेस हमने आपको वुडन में तैयार करके दे, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और हर बार की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एंटिक पीस के लिए हम आपको शोकेस जो तैयार करके देते हैं, आप देखिए प्रॉपर वुडन में आपको यहाँ पे तैयार करके दिया गया। यहाँ पे आप अपना एंटिक पीस सब लगा सकते हैं, फैमिली का कोई भी फोटो फ्रेम हो, बच्चे कोई भी चीज आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और जस्ट इसके साथ में आपका एक और छोटा सा शोकेस आपको यहाँ पे तैयार करके दिया गया दोस्तों। ये था प्रॉपर LCD पैनल। अब ठीक इसी के साथ मैं बात करता हूँ इसकी रूफ की। रूफ में आप देखेंगे कि प्रॉपर सिंपल सोबर आपको डिजाइन यहाँ पे बना के दिया गया है। झूमर के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है जो कि आप खुद लगाएंगे। फैंस आपको प्रॉपर हम लगा के देंगे। लाइटिंग आप जैसे देख रहे हैं आपको करवा के दोस्तों देंगे। इसके बाद आता है हमारा टेक्सचर पेंट। वॉलपेपर आपने हर मेरे फ्लैट में देखे होंगे, आज आप मजा लीजिए टेक्सचर पेंट का। बहुत ही लाइट कलर में येलो ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये टेक्सचर वॉल तैयार करके दी गई है दोस्तों, जो कि आपके ड्राइंग रूम को बिल्कुल निखार के लेके आ रही है। तो ये था मेरा पूरा लिविंग एरिया। लिविंग के जस्ट आपका सामने आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जो आप आए गए गेस्ट के लिए यूज करने के लिए उनको बोल सकते हैं। ये आता है वॉशरूम।
अगर आप साइज की बात करते हैं तो तकरीबन 8 से 8.5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा वॉशरूम है। टाइल्स का काम प्रॉपर हर बाथरूम की तरह वॉल टू वॉल आपको टाइल्स लगा के दी गई है। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान आपको रखा गया है, सामने एग्जॉस्ट फैन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। रूफ इसमें भी आपको हल्का सा सिंपल सॉबर एक डिजाइन आपको तैयार करके दिया गया है। सैनिटरी की बात करते हैं तो सैनिटरी में सारा काम आपको करवा के दिया जाएगा, वॉश बेसिन अंदर ही आपको लगा के दिया जा रहा है, तीनों टूटियां लगा के दी गई हैं, एक मीडियम साइज का शॉवर आपको लगा के दिया गया दोस्तों। तो ये था यहाँ का कॉमन वॉशरूम। अब कॉमन वॉशरूम के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का किचन, किचन किस तरीके से डिजाइन की गई आगे आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये आगे है दोस्तों हमारी किचन, एल टाइप आपको किचन दी गई है। स्टार्टिंग करते हैं, एंट्री में ही आपका एक ब्लैक डबल मार्बल कोटा मार्बल इसमें आपको लगा के दिया गया, जैसे मेरे हर फ्लैट में होता है दोस्तों, आप ये देखते हैं प्रॉपर एल मार्बल। वुडन का सारा काम आपको करवा के दिया गया है, और जैसा फ्लैट में एंट्री करते हैं मैंने आपको बोला था कि पूरे के पूरे फ्लैट में वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो किचन भी आप देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन है, ऊपर चिमनी के लिए पाइप दिया गया है, उसके अलावा भी अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहते हैं तो दोस्तों लगा सकते हैं, खिड़की खोल के काम करते हैं प्रॉपर कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूँ इसके वार्डरोब्स की तो आप देखिए हर तरीके का वार्डरोब आपको यहाँ पे करवा के दिया गया है दोस्तों, जैसा मर्जी सामान हो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं दोस्तों, जैसा मर्जी कंटेनर आपके किचन का हो आप पूरे तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। और जितने भी डोर्स हैं टोटली हाइड्रोलिक हैं, जैसे मेरे हर किचन में होता है, हर तरीके के कंटेनर्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ऊपर के साथ साथ नीचे भी अपने वही सेम वुडन वर्क का यहाँ पे काम करवा के दिया गया दोस्तों आपको। रैक्स आपके देखिए कंप्लीट वुडन में आपको तैयार करके दिए गए हैं, जैसा मर्जी जितना मर्जी बड़ा सामान हो, कुकर हो गया, बड़ी कढ़ाई हो गया, आप यहाँ पे आसानी से दोस्तों रख सकते हैं। दराज पूरे तरीके से आपको बना के दिए गए हैं दोस्तों, जैसा मर्जी स्पेस हो, जैसा मर्जी सामान हो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपका आ जाता है दोस्तों बड़े सामान के लिए, यहाँ पे आप अपने आटे का ड्रम, गैस सिलेंडर यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डस्टबिन प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था एल टाइप किचन, क्या लगता है बर्तन और ज़्यादा है? एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ की रहने वाली पेंट्री कैसी लगी? तो कैसा भी बर्तन हो, स्टाइल जैसा मर्जी हो, सब आप यहाँ पे प्लेस कीजिए। इतनी शानदार पेंट्री आपको किचन में बना के दे रहे हैं दोस्तों, देखिए। और प्रॉपर हाइड्रोलिक्स में आपको सिर्फ छोड़ना है, अर्थ जाएगा। तो ये थी शानदार बेहतरीन किचन। अब किचन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पहला बेडरूम दोस्तों, तो चलते हैं पहले बेडरूम की तरफ दोस्तों, आइए। ये है मेरा पहला बेडरूम। एंट्री करते ही अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्लोरिंग की, तो 2x2 की डिजिटल वेट्रीफाइड टाइल्स आपको लगा के दी गई है, ग्लोसी टाइल्स है जो इसकी शाइनिंग है, हमेशा इसी तरीके से बनी रहेगी दोस्तों। साइज की अगर बात करते हैं तो 10x11 का इसका साइज है, और हर बार के जैसे मैं बताता हूँ कि टेक्सचर पेंट आपको करके दे रहे हैं, कोयल वॉलपेपर नहीं है, टेक्सचर पेंट आपको प्रॉपर करा के दे रहे हैं। इसके बाद साथ साथ बात करता हूँ इसकी रूफ की, तो इसमें भी बहुत ही शानदार सिंपल सोवर आपको रूफ दी गई है, जिस तरीके का टेक्सचर पेंट हमने कराया उसी तरीके से बाउंड्री हमने इसको पेंट करके आपको दी गई दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रॉपर फैन आपको इसमें लगा दिया जाएगा, फैन लाइटिंग आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको लगा दी जाएगी। और दूसरी विंडो एसी के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, नीचे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो यहाँ पे दी गई है, और जो मैं आपको दर्शाता हूँ कि वेंटिलेशन साथ ही इसका लगता है आपका फ्रंट बालकनी, और बालकनी भी छोटी मोटी नहीं दूंगा दोस्तों, एल टाइप में लंबी चौड़ी खुली बालकनी आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ मैं इसकी बालकनी, आइए। ये बालकनी है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, ये आपका वॉशिंग एरिया आता है, ये आपको टैप लगा दी गई है, स्विच आपको लगा दिया गया है, यहाँ पे आप कपड़े धो के इजीली यहाँ पे आप सुखा सकते हैं, हैंगिंग रोड आपको लगा के देंगे। अब मैं दिखाता हूँ इसकी एल टाइप के रहने वाली सबसे बेहतरीन लंबी चौड़ी बालकनी, आइए दोस्तों। तो ये बालकनी आप देख सकते हैं, पूरा स्पेस इंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग में शाम को आप यहाँ पे बैठ के, ये आप पूरी एल टाइप में ये बालकनी हमारी आ जाती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों प्रॉपर खुली बालकनी आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर पूरा वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, सन व्यू हर तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो ये थी मेरी एल टाइप बालकनी। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का रहने वाला दूसरा बेडरूम। तो दोस्तों अभी आपने देखा मेरा पहला बेडरूम जो कि अटैच था एल टाइप बालकनी के साथ, अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा बेडरूम जो कि जस्ट हमारे फर्स्ट बेडरूम के जस्ट साथ में आता है दोस्तों। ये आता है हमारा सेकेंड बेडरूम, और हर बार की तरह, हर बेडरूम की तरह, हर लिविंग की तरह वेंटिलेशन देखते नहीं बनता दोस्तों, शानदार खुला वेंटिलेशन आपको दे रहा हूँ। ऊपर विंडो एसी के लिए आपको स्पेस दिया गया है, नीचे पूरी खिड़की दी गई है आपका मिरर के साथ, ताकि सन व्यू आपको पूरी तरीके से मिले, दिन में भी आपको लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, तो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन यहाँ पे रहेगा। वॉल की अगर मैं बात करूँ तो हर लिविंग और बेडरूम की तरह यहाँ पे भी आपको टेक्सचर वॉलपेपर करवा के दिया जा रहा है, सॉरी टेक्सचर पेंट आपको करवा के दिया जा रहा है। रूफ की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सोबर
सेम टेक्सचर पेंट के लुक में आपको वॉल तैयार करके दी गई है, रूफ आपको तैयार करके दी गई है दोस्तों, देखिए किस तरीके से डिजाइन किया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ की रहने वाली अलमीरा की। फ्री साइज आपको प्रॉपर 9x4 की अलमीरा आपको तैयार करके दी जा रही है दोस्तों यहाँ पे। ये था मेरा सेकंड बेडरूम। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आज का रहने वाला तीसरा और लास्ट बेडरूम जिसकी हम बात करेंगे, और जो मैं आपको बताता रहा हूँ वेंटिलेशन वहां पे भी इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों चलते हमारे तीसरे बेडरूम की तरफ। आइए दोस्तों, ये हम एंटर कर जाते हैं अपने तीसरे बेडरूम में। अगर मैं साइज की बात करूँ तो तकरीबन 10x11 का नॉर्मल ये साइज है जहाँ पे आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं। टाइल्स इसमें भी वही डिजिटल बैटरीफाइड ग्लॉसी लुक टाइल्स आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। अटैच बाथरूम के साथ आपको ये बेडरूम मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं बाथरूम का साइज। अगर काम की बात करते हैं तो प्रॉपर, जैसा टाइल्स की बात करें तो वॉल टू वॉल है, सैनिटरी का सारा काम आपको करवा के दिया जा रहा है। इसमें अभी एज पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट हिंदी सीट अभी हमने लगाई है, बाकी आप चाहें तो वेस्टर्न लगवा सकते हैं। दूसरी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान इसमें रखा गया है, एग्जॉस्ट फैन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वॉश बेसिन अंदर ही आपको प्लेस करके दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं वॉश बेसिन लगा के दिया गया है। यहाँ पे आपको वुडन का प्रॉपर वही ब्राउन व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ LCD पैनल तैयार करके दिया जा रहा है। नॉर्मल छोटे मोटे सामान के लिए जो टीवी का रिमोट हो गया, सेटअप बॉक्स का रिमोट हो गया, या कोई भी एक्स्ट्रा जेड सामान के लिए आपको दराज यहाँ पे तैयार करके दी जा रही है दोस्तों। यहाँ पे आप छोटा मोटा अपने बेडरूम का कोई भी सामान है आप यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। और जस्ट इसी के साथ रहने वाली है हमारे एक प्राइवेसी बालकनी, देखो बिग साइज स्पेस आपको बल्क अलमीरा यहाँ पे तैयार करके दे रहे हैं दोस्तों। साइज की अगर बात करें तो तकरीबन 10 फुट लंबी और तकरीबन 4 फुट 4.5 फुट चौड़ी अलमीरा है, डबल शीट में आपको दी गई है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। जैसा मर्जी कपड़े, जैसा मर्जी सामान आप यहाँ पे इसमें रख सकते हैं दोस्तों, और टोटली हाइड्रोलिक इसमें हमने काम आपको करवा के दिया गया है। अब बात करता हूँ इसके वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन में भी आप उस सेकंड बेडरूम की तरह ऊपर आप विंडो ऐसी प्लेस कर सकते हैं, नीचे वेंटिलेशन में पूरी विंडो आपको यहाँ पे लगा के दी गई दोस्तों। ये था आज का तीसरा और लास्ट बेडरूम। प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको बता ही चुका दोस्तों, मात्र 29 लाख रुपए में आपको ये 3 बेडरूम का फ्लैट मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप इसकी साइज की बात करते हैं तो 70 गज में आपको ये फ्लैट मिलेगा। एल टाइप बालकनी के साथ इसका कवर्ड एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो 29 लाख रुपए में आपको इतना बड़ा फ्लैट देने जा रहा हूँ दोस्तों। 25 फुट की मेन एंट्री रोड है, मेट्रो से मात्र 500 मीटर की दूरी है दोस्तों। तो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी आइए, विजिट कीजिए, और हर बार की तरह जैसे आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी आने वाली लो बजट वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम सबसे पहले पहुंच रहे दोस्तों। तो ये था मेरा आज का शानदार 3 बेडरूम का फ्लैट। इसके साथ आपको मैं अगली और वीडियो ऐसे तरीके लेके आता रहूंगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपने दोस्त लवी ठाकुर को नमस्कार, जय हिंद।